एक बड़ा झटका मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस को लग रहा है क्योंकि इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांती बाम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के साथ उनकी तस्वीर सामने आ चुकी है, यानी जो सूरत मॉडल जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर थी, अब उसके साथ वही खेल इंदौर में भी होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी ने मैदान छोड़ा है और ऐसे में एक नया संकट कांग्रेस के लिए अब इंदौर में खड़ा हो गया है, क्योंकि उसके प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया और न केवल अपना नामांकन वापस लिया है बल्कि बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी गाड़ी के अंदर बैठे हुए अक्षय कांती बम नजर आ रहे हैं। अक्षय कांती को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाते हुए मैदान में उतारा था और शंकर लालवानी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं इंदौर से, 2019 में सांसद भी बने और उसके बाद 2024 में एक बार फिर शंकर लालवानी को बीजेपी ने 2024 के चुनावी मैदान में उतारा है, उनके इसलिए उनके सामने से अपना नामांकन वापस ले लिया है। कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आई है। बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने से कांग्रेस प्रत्याशी ने मैदान छोड़ा है और इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से अक्षय कांती जो हैं वो रमेश मेंदोला और कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक गाड़ी के अंदर नजर आ रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट भी किया है और साथ ही लिखा है बीजेपी में स्वागत है। तो बीजेपी में स्वागत के साथ ये तस्वीर पोस्ट की गई है और देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ इसी तरीके की तस्वीर, इसी तरीके का सूरत हाल सूरत में नजर आया था। गुजरात की सीट से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं नीलेश कुंभाणी, उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया, उनका नामांकन रद्द हुआ, उसके बाद तमाम जो निर्दलीय थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो देखिए इंदौर और सूरत किस तरीके से एक राजनीतिक तौर पर एक संकट कांग्रेस के सामने खड़ा हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी ने इंदौर में जो अपना पर्चा भरा था उसे वापस ले लिया है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ सूरत के अंदर, जिसके बाद जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया। तो बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत गए सूरत का। वहीं इंदौर के अंदर फिलहाल चुनावी निर्णय नहीं आया है, लेकिन मुख्य प्रतिद्वंद्वी के तौर पर कांग्रेस पार्टी जिसके उम्मीदवार ने न केवल अपना नामांकन वापस ले लिया है बल्कि वो बीजेपी नेताओं के साथ एक ही गाड़ी के अंदर बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट होगा। इंदौर की ये सीट लंबे समय से बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र है इंदौर, और वहां की लोकसभा सीट से अपना नामांकन वापस लिया है और नामांकन वापस लेने के लिए भी अकेले नहीं गए थे बल्कि अक्षय कांती के साथ में जो रमेश मेंदोला हैं बीजेपी नेता वो मौजूद थे। तो बीजेपी नेता के साथ जाकर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से अपना नामांकन वापस लिया कांग्रेस के प्रत्याशी ने और उसके बाद जो तस्वीर शेयर की गई उस तस्वीर के अंदर अक्षय कांती के साथ में जो वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं रमेश मेंदोला और साथ ही वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, ये साथ नजर आ रहे हैं, एक ही गाड़ी में नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों ने दोहरा दी है याद उन तस्वीरों की जो कि सूरत से सामने आई थी कुछ ही देर पहले। कुछ समय पहले जो तस्वीर सामने आई थी सूरत से, जहां लगभग इसी तरीके का घटनाक्रम हुआ था और बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध घोषित कर दिया गया था, विजयी घोषित कर दिया गया था, मुकेश दलाल जो हैं वो चुनाव से पहले, मतदान से पहले ही अब सांसद बन चुके हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये 2-0 होने जा रहा है, क्या इंदौर के अंदर भी इसी तरीके की तस्वीर सामने आ सकती है, क्योंकि अब कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं है और ऐसे में मुकाबला अब केवल बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी और बाकी जो अन्य कुछ प्रत्याशी मैदान में हैं उनके बीच बच जाता है, यानी एक मुख्य चुनौती जो है वो मैदान से साफ हो गई है शंकर लालवानी के सामने से। तो इंदौर के अंदर भी इसी तरीके का सियासी घटनाक्रम देखने को मिला है और कांग्रेस को इस तरीके के झटके इस चुनाव मैदान में कई बार लग चुके हैं, जिसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर जहां उसके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने ऐन चुनाव के समय पार्टी का साथ छोड़ दिया, उसी तरीके से पंजाब में, उसी तरीके से गुजरात के अंदर कई जगह पर इसी तरीके के झटके कांग्रेस को झेलने पड़े हैं और एक बार फिर चुनावी मैदान में कांग्रेस की जांच पड़ताल में कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई। इसीलिए इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर के अंदर अक्षय कांती को जहां चुनाव मैदान में उम्मीदवार के तौर पर उतारा था उस उम्मीदवार ने अब अपना नामांकन वापस ले लिया है और इंदौर से शंकर लालवानी के सामने अब किसी तरीके की चुनौती बड़ी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस थी उसके उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस लिया है और इस नामांकन के वापस लेने के बाद अब मैदान के अंदर रास्ता जो है वो काफी आसान नजर आ रहा है कहा जा सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जरा बताइएगा इंदौर में इस समय चुनावी मैदान में तस्वीर कैसी नजर आ रही है और दूसरी बात ये उलटफेर इस तरीके से कैसे हुआ?
देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को भाप नहीं पाई, क्योंकि 25 अप्रैल तक आखिरी तारीख थी नामांकन दाखिल करने का और 24 अप्रैल को अक्षय कांति बम ने नामांकन दाखिल किया था और आज जब आखिरी तारीख है 29 तारीख नामांकन वापस लेने का आखिरी तारीख है और ऐसे में कांग्रेस इंदौर लोकसभा प्रत्याशी जो है अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नगरी प्रशासन मंत्री ने सोशल मीडिया में अक्षय कांति बम के साथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनके साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल अजय, तो ये जाहिर तौर पर एक सोचा समझा प्लान था जिसकी योजना पहले से बन चुकी थी, क्योंकि अक्षय कांति बम ने जो है अपना नामांकन ऐसे दिन वापस लिया है जब आखिरी तारीख है नामांकन वापस लेने की और नामांकन दाखिल करने की तारीख तो पहले ही निकल चुकी है, यानी इसको पूरी तरीके से एक स्ट्रैटेजी के तहत चुना गया इस वक्त को। बिल्कुल प्लानिंग के तहत ही हुआ क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय उनके प्रत्याशी से संपर्क में थे, उन्होंने फोटो शेयर किया तो जाहिर तौर पर है कैलाश विजयवर्गीय उनसे बातचीत किए होंगे और बातचीत के बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल किए कर लिए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि उनका स्वागत है। तो अब थोड़ी देर में ये कयास लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जो है अक्षय कांति बम पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के लिए अब मुश्किल ये है कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, एक गठबंधन के तहत खजुराहो में पहले ही एक प्रत्याशी मीरा यादव पहले ही उनका नामांकन खारिज हो गया था, तो वहां पर दूसरे के समर्थन में उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा था और अब इंदौर की यही स्थिति हो गई है। और क्योंकि चौथे चरण का चुनाव है, चौथे चरण में 13 मई को वहां चुनाव होना है और आखिरी वक्त में जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी ने कांग्रेस को धोखा दिया है। अब रही बात कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में जब से उन्होंने पीसीसी चीफ के तौर पर संगठन का कमान संभाला है तब से एक एक करके नेता जा रहे हैं क्योंकि पतझड़ का मौसम लग गया है कांग्रेस में, अब प्रत्याशी जा रहे हैं तो कांग्रेस के लिए मुश्किल है। घटनाक्रम को लेकर क्या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? कांग्रेस के तमाम बड़े और दिग्गज नेता है वहां पर मैदान में मौजूद है, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ मौजूद हो, जीतू पटवारी खुद हो। देखिए जीतू पटवारी ने तो अभी कुछ नहीं बोला लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर 307 जैसे अलग अलग मामले दर्ज हैं, दर्ज कर लिए गए, दबाव बनाया जा रहा है उन पर, धन का प्रलोभन की बात कांग्रेस कह रही है। तो कांग्रेस तो ये पहले से ही इस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस के जो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम रहे हैं, चाहे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हो चाहे पूर्व विधायक। अजय दुबे, जरा ये भी समझाइएगा कि ऐसे में जबकि प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके होते हैं, इस समय प्रचार में होंगे अक्षय कांति बम, और ऐसे में कांग्रेस के कई नेता, तमाम नेता उनके साथ संपर्क में होंगे, उन्हें जरा सी भनक तक नहीं लगी और वो लगातार बीजेपी के नेताओं के साथ जाकर जिला निर्वाचन अधिकारी के यहां से अपना नामांकन वापस लेकर आए। बिल्कुल कांग्रेस को भनक नहीं लग पाई और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को समझ नहीं पाई और यही समझ ना पाना कांग्रेस के लिए दुखदाई होगा। Zee News.